साथियों, बीआई की अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ऐसी है जिसने हमारे खेत की तस्वीर ही नहीं बल्कि हम किसानों की तकदीर भी बदल दी। इस करामाती उपहार का नाम है बायोविटा। अब मैं बीआई के वरिष्ठ अधिकारी श्री श्याम का स्वागत करता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बायोविटा बीआई के अत्याधुनिक व प्रमाणिक अनुसंधान पर आधारित एक अनूठा उत्पाद है जो उत्तरी अटलांटिक सागर में प्राकृतिक रूप से उगने वाली समुद्री घास एस्कोफाइलम नोडोसम से बना है। बायोविटा की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रमाण कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों ने किया है। बायोविटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। शुक्रिया श्रीमान। तो भाइयों, अब सुनते हैं बायोविटा की कहानी एक खुशहाल किसान की जुबानी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं बलराम आप सबके साथ अपना अनुभव बांटना चाहता हूँ। पीआई द्वारा निर्मित बायोविटा से कई वर्षों तक न सिर्फ मुझे उच्च गुणवत्ता वाली फसलें मिली बल्कि मेरी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बरकरार रही, जिसके लिए मैं पीआई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बलराम भाई, हमको भी अपनी खुशहाली का राज बताओ। अरे मेरी ही नहीं, पूरी गांव की खुशहाली का राज जानना हो तो हमारे गांव आओ। गोपाल भैया, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? तुमसे तुम्हारी अच्छी फसल का राज जानने आया हूँ। हमारे गांव की फसलें बहुत कमजोर और बेजान होती जा रही हैं, पता नहीं क्यों, पर धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है। अरे गोपाल भैया, आप चिंता ना करें, केवल यही है आपकी समस्या का समाधान। बायोविटा 60 से अधिक प्राकृतिक पौष्टिक यौगिकों का मिश्रण है जो फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखता है। बायोविटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला असली समुद्री शैवाल से बना उत्पाद है। बायोविटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बायोविटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। आइए जानते हैं बायोविटा का इस्तेमाल हमें कपास की फसल में कब और कैसे करना चाहिए। बायोविटा का इस्तेमाल हमें कपास की फसल की मुख्य अवस्थाओं में करना चाहिए। किसानों द्वारा प्रयोग की सुविधा के लिए बायोविटा दो रूप में उपलब्ध है, बायोविटा दानेदार और बायोविटा लिक्विड। बायोविटा दानेदार का प्रयोग 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय करना चाहिए, जिससे कि कपास की पौधों का अच्छा अंकुरण होता है। इसके अलावा बायोविटा दानेदार का प्रयोग 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के 10 से 15 दिन बाद खाद के साथ मिलाकर करना चाहिए। इससे पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है। इसके बाद बायोविटा लिक्विड का पहला स्प्रे 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बुआई के 40 से 45 दिन बाद यानी कि फूल आने के समय करना चाहिए। बायोविटा लिक्विड का दूसरा स्प्रे 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बुआई के 60 से 65 दिन बाद यानी कि टिंडे आने के समय करना चाहिए। इसके बाद बायोविटा लिक्विड का इस्तेमाल कपास की हर तुड़ाई के 10 से 15 दिन बाद 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करना चाहिए, जिससे हर तुड़ाई में अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन होता है। अब आप अपने खेतों में इसको इस्तेमाल करो और खुद जानो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे गोपाल, वाह, तुम्हारी फसल तो हरी भरी और स्वस्थ है और टिंडे भी अधिक संख्या में बने हैं जिनका आकार बड़ा और एक समान है। इस दमदार फसल के तो ज्यादा दाम मिलेंगे हैं? मुखिया जी, ये सब तो बायोविटा का कमाल है। बायोविटा के प्रयोग से फसलें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों व नमी का अधिक अवशोषण करती हैं, जिससे हमारी फसल अंदर से मजबूत एवं स्वस्थ बनती है तथा विपरीत परिस्थितियों का अच्छे से सामना करती है। बायोविटा के लगातार प्रयोग से मेरी फसल की क्वालिटी तो अच्छी है ही, मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा है। आजकल एक असली के 100 नकली होते हैं, असली बायोविटा की क्या पहचान है भाई? बायोविटा लिक्विड की बोतल पर पीआई के होलोग्राम वाली सील लगी होती है, जबकि बायोविटा दानेदार के पैक में होलोग्राफिक इफेक्ट दिखाई देता है। फिर भी कोई शंका हो तो पैक पर लिखे टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800-208
1008 पर बात कर लो। अब नए अवतार में बायोवीटा का वादा, सर्वोत्तम उपज, धन धान्य ज्यादा।